स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का डेली फोकस न्यूज में। और यहाँ पर हम बात करने वाले हैं क्रिकेट जगत की खबरों से। जी हाँ, विराट कोहली ने टेस्ट कप्तानी से इस्तीफा दे दिया है। बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने कहा, उनके फैसले का हम सम्मान करते हैं। उनका न केवल भारतीय क्रिकेट में बल्कि टेस्ट क्रिकेट में भी बड़ा योगदान रहा। बीसीसीआई उनके योगदान की सराहना करती है। उम्मीद है वे टीम को एक खिलाड़ी के रूप में सहयोग देते रहेंगे। क्रिकेट में उनका बड़ा योगदान रहा है। एक टेस्ट कप्तान के रूप में उन्होंने हमें अधिकतम जीत दिलाई। मुझे उम्मीद है और लगता है कि वह टीम इंडिया और क्रिकेट में एक खिलाड़ी के रूप में योगदान देते रहेंगे। बीसीसीआई कोषाध्यक्ष अरुण धूमल ने कहा है, हम विराट कोहली के फैसले का सम्मान करते हैं। मुझे यकीन है कि उनके नेतृत्व, मार्गदर्शन और उनके बल्लेबाजी कौशल से भारतीय क्रिकेट अच्छा प्रदर्शन करता रहेगा। मुझे नहीं लगता कि दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज हारने से उनके फैसले पर इतना बड़ा असर पड़ा होगा। कप्तान नियुक्त करने का निर्णय चयनकर्ताओं द्वारा किया जाता है, पदाधिकारियों द्वारा नहीं। वे आपस में चर्चा करेंगे कि अगला टेस्ट कप्तान कौन होगा। तो इस तरह से आज ये बहुत बड़ी खबर आई है कि विराट कोहली ने टेस्ट कप्तानी से इस्तीफा दे दिया है। आप लोग क्या कहना चाहेंगे विराट कोहली के इस फैसले को लेकर, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दें।